नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आरबीआई के द्वारा न्यूज़ आने वाली है 10 बजे से। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी विल प्रेजेंट इट्स फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑन December 8। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को घटा दिया या बढ़ा दिया, इसका सीधा असर इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा स्फीति और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन पर असर पड़ता है। तो इस नीति को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरियल पॉलिसी, हिंदी में इसे बोलते हैं मौद्रिक नीति। ये नीति मौद्रिक नीति बनाने का केवल अधिकार आरबीआई के पास होता है। दोस्तों, हर 2 महीने के बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है। यह 3 दिन तक लगातार इस पे चर्चा होती है और फाइनली जो गवर्नर होते हैं वो अनाउंसमेंट करती है कि क्या चेंजेज किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। इस बार दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी रेट में किसी भी तरह की बदलाव नहीं होने की आशंका बनी हुई है और जताई जा रही है, क्योंकि आरबीआई का फोकस अभी भी ग्रोथ पर ज़्यादा हो सकता है और आरबीआई का मानना है कि ग्रोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी दोस्तों अभी देख ही रहे होंगे कि ओमिक्रॉन वायरस की चिंताएँ सभी देशों को अभी जताई जा रही है, इसीलिए आरबीआई रेपो रेट में भी कोई चेंजेज नहीं कर सकती है। पिछले बार की जो रेपो रेट थी यानी कि 8 अक्टूबर 2021 की, वो 4% थी। दोस्तों 2020 में कोरोना के दौरान आप देखे होंगे कि मॉनेटरियल रेट को नीचे गिरा दिया गया था, क्योंकि जिनका जॉब छूट गया था कोरोना के कारण या जॉबलेस थे पहले से, वो अपना अगर चाहे तो बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती, तो वो लोन तो बैंक से ही लेनी पड़ती, इसीलिए उस समय भी दोस्तों मॉनेटरियल रेट को नीचे गिराया गया था। उस समय भी मतलब आरबीआई का मतलब मेन फोकस था कि ग्रोथ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी उस समय भी, तो शायद अभी भी मतलब ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है, तो अभी भी शायद आरबीआई की मेन फोकस अभी ग्रोथ पे ही है, इसीलिए कोई पॉलिसी मॉनेटरियल पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, हो सकता है। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।